देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज पे। नमस्कार, मैं रवीना, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर हेडलाइन पर। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सतर्क रहने के निर्देश। 5950 मेगावाट क्षमता की 16 पन बिजली परियोजनाएं लंबी, नीति लाने की तैयारी। नए साल के जश्न में फायरिंग, बेटा खोया, आरोपी पिता ही निकला। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सतर्क रहने के निर्देश। रायपुर राज्य शासन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने इन्फ्लुएंजा H5N1 बर्ड फ्लू के संबंध में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। शीत ऋतु में बर्ड फ्लू फैलने की आशंका को देखते हुए राज्य और जिले में पक्षियों में संक्रमण फैलने और उसके कारण मनुष्यों में संक्रमण फैलने की आशंका है, जिसे सतर्कता बरतने की जरूरत है। 5950 मेगावाट क्षमता की 16 पनबिजली परियोजनाएं लंबी, नीति लाने की तैयारी। नई दिल्ली के वित्तीय दिक्कतों तथा अन्य कारणों से देश में 5950 मेगावाट क्षमता की 16 पनबिजली परियोजनाएं लंबी चल रही है। इसी कारण सरकार यथाशीघ्र इस पनबिजली नीति तैयार कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, देश में अभी 12 गीगावाट क्षमता की 37 पनबिजली परियोजनाएं पर काम चल रहा है। इससे 5950 मेगावाट क्षमता की 16 परियोजनाएं वित्तीय कारणों या दिक्कतों को लेकर सही समय से देरी चल रही है। नए साल के जश्न पर फायरिंग में खोया बेटा, हत्या के आरोप में पिता, यह वारदात नई दिल्ली के उस्मानापुर की दर्शाई जाती है। नए साल के जश्न के दौरान उत्तर पूर्वी जिला न्यू उस्मानाबाद इलाके में गोली लगने से 10 साल के बच्चे की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने बच्चे की हत्या के आरोप में उसके ही पिता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के पिता ने ही फायरिंग के दौरान उसी के बेटे की मौत हुई है। पुलिस ने पिता यासीन के साथ रवि कश्यप को भी गिरफ्तार किया है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।